साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार नागर कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आगे की प्लानिंग आप लोग कर रहे होंगे। आने वाली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आप लोग जो है बहुत भयंकर तरीके से जोश के साथ पढ़ाई करना आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा। होली का त्यौहार अब निकल चुका है, आनंद के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, क्योंकि आने वाला जो समय है साथियों आप लोगों के लिए शुभ रहे, अच्छा रहे, ये मैं अपने दिल से मनोकामना आप लोगों को करता हूँ। मनोकामना आप लोगों के लिए मैं जरूर जरूर 100% करूंगा साथियों। तो साथियों आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने अपने अपनी तरफ से अपने अपने मनोवियोग से अच्छी तरह से कटोप को निकाला है, लेकिन जितनी भी कटोप आपने देखी होगी आप देख लेना, ये कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ साथियों, एक छोटा सा ये बोर्ड है, इतना कोई बड़ी टीवी नहीं है कि इतनी बड़े बड़े पैनल लगा करके मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन ये मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है कि भाई इतनी कटोप जा सकती है। जितने भी चैनल्स वाले हैं सबकी कटोप को मैंने एक डायरी में लिखा और उसमें रिसर्च किया है, आप सब क्या बता रहे हैं कटोप। लेकिन साथ ही एक बात मैं आपको बता दूं, उन सभी को देखने के बाद में मैंने लगभग यही पाया कि इसके आसपास कटोप रह सकती है। साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार में आए हो, पहली बार विजिट किया है आपने, तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। साथियों अगर आपका मुझे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट है आप लोग अगर करते हो तो मुझे स्वीकार है। कोई भी अगर इसमें मुझे चेंज करना है, कोई भी मेरे चैनल को अगर मुझे आगे बढ़ाना है, आप लोग मुझे सलाह दे सकते हो, क्योंकि आप भी मेरे परिवार के सदस्य हो। साथियों इस चैनल पर मैं आपको बता दूं साथियों, मैं हिंदी का पूरा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स कराने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक पॉइंट, एक एक चीज, चाहे वो ग्रामर है, साहित्य है, काव्य शास्त्र है, चाहे कोई सा भी टॉपिक है, लेकिन हिंदी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सारा सारा कोर्स मैं इस चैनल पर आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का करवाऊंगा। राजस्थान जीके का कोर्स पूरा 100% आपको मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। बहुत भयंकर तरीके से नोट्स आपके यहाँ पर बनने वाले हैं साथियों, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। और ये आपका जो एक सब्सक्राइब है ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत प्रोत्साहित करता है, और मैं अच्छी अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ साथियों। हो सकता है किसी भाई बहन के इतनी नहीं बन रही हो तो उसे दुखी, वो दुखी हो सकता है, वो हो सकता है कि मेरे से परेशान हो जाए, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं इसके आसपास अगर आपके बन रही है तो 100% आपका सिलेक्शन है, आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखते हैं कटोप संस्कृत की, ये जो संस्कृत की कटोप है साथियों इसके आसपास रहेगी रिट में नहीं एग्जाम की, क्योंकि पेपर इतना कोई आसान भी नहीं था, पेपर इतना सरल भी नहीं था। आसान जो पेपर था इसका मतलब यह है कि उस पेपर के अंदर एक लालच हम लोगों को मिला और उस लालच में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करके आए, और ज्यादा क्वेश्चन करने के बाद में साथियों आपको पता है कि उतने ही क्वेश्चन माइनस हो जाते हैं। तो ये माइनस वाली जो कैटेगरी है ना साथियों, ये बहुत से स्टूडेंट के साथ हो रही है और लालच में आकर के माइनस करके आए साथी। और मतलब कहते ना कि यार मैं इतने कर लूं उतने कर लूं, यार मेरे को ये भी आ रहा है, क्योंकि चार ऑप्शन जो होते हैं ना उसमें दो ऑप्शन जैसे लग रहे थे जैसे पढ़ लिए, ठीक है ना, और दो ऑप्शन ऐसे जैसे नहीं पढ़े। अब वो दो ऑप्शन जो मिलते हैं ना उसके अंदर आदमी वो क्या होता है, यार मैं कर लेता हूँ, यार दो ही तो ऑप्शन मेरे बच रहे हैं, तो दो ऑप्शन में तो मैं अपने भाग्य को आजमा लेता हूँ, और वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। और संस्कृत के पेपर में साथ में देखा था जो ऑप्शन है वो इस तरह से दिए हुए थे, पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन मतलब उसने राइट और रॉन्ग किया हुआ था, ये सबसे कठिन ऑप्शन उसने दिए थे और इसमें स्टूडेंट उलझ जाता है साथियों। तो मिलते हैं हम लोग कटोप के साथ, देखिए साथियों क्या है आपको बता दूं, टोटल पोस्ट जो है नॉन टीएसपी के अंदर 1432 पोस्ट थी, आपको सबको पता है, और टीएसपी के अंदर 476 पोस्ट थी। संस्कृत रीट की बात कर रहा हूं मैं, रीट मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं साथियों। अब आप देखिएगा जो जनरल की बात करता हूं साथियों, जनरल में जो मेल कैटेगरी है साथियों, मेल कैटेगरी के अंदर 220 से 225 जिसके मार्क्स बन रहे हैं साथियों, उस बंदे का सिलेक्शन 100% है, वो डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, ये मैं कह रहा हूं, बिल्कुल 100% डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, गारंटी मेरी देख लेना आप लोग। ओबीसी के अंदर 215 से 220 जिसके कट ऑफ है, या जितने मार्क्स जिस बंदे के बन रहे हैं आप ये मान के चलिए, 220 का मतलब हो गया साथियों 110 क्वेश्चन, तो आसानी से आप लोग कर सकते हो, 110 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एकदम मैं सटीक आंकड़ा बता रहा हूं आपको, देख लेना आप लोग भी यही और मैं भी
आप लोगों को लगेगा यार कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल वाले ने जबरदस्त आंकड़ा बताया है। साथियों अगला है EWS 210-215, ये जिसके मार्क्स बन रहे हैं 100% उसका सिलेक्शन होगा। आप तैयार कर लो डॉक्यूमेंट बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करो। एससी वर्ग में 205 से 210 इससे ज्यादा नहीं जाएगी, देख लेना। इसके बाद में एसटी में 200 से 210, ठीक है। तो ये जो है ये मेल कैटेगरी की मैंने आपको बता दिया है, जनरल की 220 से 225, ओबीसी की 215 से 220, ये मैं बता रहा हूं मार्क्स, इतने इतने मार्क्स इस बंदे के बनने उसका सिलेक्शन है। वो डॉक्यूमेंट तैयार कर ले काउंसलिंग के लिए, खुशी की बात है, बस मिठाई नहीं बांटे बस अभी, क्योंकि यार अभी 2-3 गुना पास करने वाले हैं, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आने वाला है, बस ये ध्यान रखे, ठीक है ना। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, पेपर बिगड़ गया कोई बात नहीं, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, 8,000 की वैकेंसी साथियों आने वाली, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी 8,000 की आने वाली है 100%। ये संस्कृत लेवल 2 की बता रहा हूं भैया जी, मैं फर्स्ट ग्रेड की 8,000 वैकेंसी आई, बहुत भयंकर तरीके से वैकेंसी आ रही है, आप वो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसकी तैयारी में जुट जाना है। इसके बाद फीमेल की बात करते हैं हम लोग, जनरल की यहां पर बात करते हैं, फीमेल जनरल में 215 से 220, 215 से 220 जनरल फीमेल की रहने वाली है भैया, ठीक है। अरे कम नहीं है यार, ये जो हिंदी और संस्कृत वाले जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें फीमेल कम नहीं होती है, आप ये मान के चलिए, फीमेल अधिकतर यही सब्जेक्ट होते हैं अधिकतर सब फीमेल के, और वो घर पे बैठ के पढ़ लेती है। ये क्रांति है, ये आपने देखा होगा ना, एक तरह से डिजिटल क्रांति, जो घर बैठ के आसानी से हर लोग पढ़ रहे हैं, हर हर टॉपिक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, हर पॉइंट का सॉल्यूशन देख रहे हैं, और अच्छे से वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ओबीसी के अंदर फीमेल की 210 से 215 ओबीसी के अंदर रहने वाली है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंदर 205 से 210 नंबर जिस बहन के बन रहे हैं उसके, ये मान के चलिए उसका सिलेक्शन है। एससी में 200 से 205 जिस भी फीमेल के बन रहे हैं उसका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एसटी वर्ग में 200 से 210 तो मेल कैटेगरी, और इसके बाद में 195 से 205 जो एसटी में फीमेल के बन रहे हैं मार्क्स, उसका सिलेक्शन यहां कोई भी नहीं रोक सकता, 100% उसका सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट तैयार कर लो बस आप, ठीक है ना साथियों। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इतने मार्क्स, इतने कम, इतने ज्यादा, साथियों ये ऐसा नहीं है। मैंने कम से कम 50 जितने भी लोगों ने बताए हैं अपने अपने कट ऑफ, उन सभी को देखा लिखा, उसके बाद में आपको यहाँ पर बता रहा हूं। ऐसे मैं कभी भी नहीं करता साथियों कि मैंने ये बता दिया वो बता दिया, ये काम मेरा नहीं है साथियों। साथियों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपने पेपर दिया है, किसी और ने नहीं दिया पेपर, तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, नहीं मैंने पेपर दिया है, मैं पढ़ा हूं, मैंने रात दिन मेहनत करी है, मेरा सिलेक्शन होगा। अगर पेपर बिगड़ भी गया है ना साथियों, तो हिम्मत नहीं हारनी है, आगे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड, अगर आपने सोच लिया कि मुझे फर्स्ट ग्रेड करनी है, आपका फर्स्ट ग्रेड में इजीवे में सिलेक्शन हो जाएगा साथियों, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है उसके अंदर बहुत भयंकर सीटें आने वाली है। अब तक के इतिहास के अंदर ये मान के चलिए इससे ज्यादा सीटें कभी भी नहीं आई होगी। तो इसलिए याद रखिए साथियों, आने वाली वैकेंसी की आप लोग जरूर तैयारी में जुट जाना, क्योंकि और आपने एमए बीएड किया हुआ है तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आप लोग जरूर हायर करना, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की ही तैयारी करना आप लोग अगर आपने एमए बीएड किया हुआ है। साथियों ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मन से और दिल से बता रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं यार आपको। मतलब एक बात बताइए कि सेकंड ग्रेड में लोग कहते हैं पेपर बिगड़ गया, थर्ड ग्रेड में कहते हैं यार पेपर बिगड़ गया, तो मैं कह रहा हूं भैया आपका सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड के लायक है, आप फर्स्ट ग्रेड के लायक हो, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। तो ये अपने आप को मोटिवेशन अपने आप को देना चाहिए, अपने मन को देना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए, नहीं यार मैं थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की लाइफ नहीं हूं, मुझे तो फर्स्ट ग्रेड करनी है, और फर्स्ट ग्रेड में मैं कह रहा हूं इन दोनों थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड से इजी वे में सिलेक्शन होता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर सर, ये बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूं। साथियों अगर चैनल पर आप नए हो तो आप लोग 100% चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।